आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसको कर लेने से यकीन मानिए आपकी जो भी समस्या होगी, जिस क्षेत्र से भी होगी, संभवतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा तो देखिए, अगर आपका कार्य होने वाला होगा तो आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा है। और अगर आपका कार्य नहीं होने वाला होगा तो इस वीडियो को आप स्किप कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर भला होने वाला होता है तो ईश्वर आपके पास नहीं आते हैं, बल्कि ईश्वर कोई ना कोई माध्यम बना के आपके पास उस व्यक्ति को, उस चीज को, उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। कभी क्या ईश्वर आपने देखा होगा, क्या कभी भगवान साक्षात सामने आपके प्रकट होकर आपका कार्य किए? नहीं। किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे बंदे, ऐसे वस्तु या ऐसा दिमाग दे देते हैं कि आपका कार्य हो जाएगा। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसको अगर आप देखेंगे तो आपके अगर प्रारब्ध में होगा तो आपका वो कार्य हो जाएगा। देखिए, आप संसार में जितने सारे लोग हैं उनकी कोई ना कोई राशि होगी, और वो राशि मेष राशि तक से लेकर मीन राशि तक होगी। तो जिनको अपनी कुंडली है, जिनके पास, तो उनको मालूम होगा कि उनकी कौन सी राशि होगी। राशि चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है, उस घर में जो संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखी रहती है, वही आपकी राशि होती है। और एक होता है लग्न, लग्न का मतलब प्रथम भाव। तो राशि लग्न लगभग लगभग बराबर ही मान के चलिए। देखिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, लेकिन उस सूत्र जानने से पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित्र राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का है तो सबसे पहले कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो आज मैं ज्योतिर्लिंग और आपकी राशि से संबंधित एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसे आप करें, यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो जो भी मेष राशि के जो भी लोग हैं वो रामेश्वरम जाए और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आपका कोई भी कार्य होगा वो पूरा हो जाएगा। खास करके अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप रामेश्वरम जाएं और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उनका दर्शन करें। दूसरी, वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो लोग हैं वो गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर जाएं, सोमनाथ शिवलिंग का वो दर्शन करें, उनके जो भी बिगड़े काम हैं वो जरूर बन जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो लोग हैं वो गुजरात में ही स्थित नागेश्वर शिव का दर्शन करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जो लोग हैं वो ओंकारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जो लोग हैं वो झारखंड में स्थित वैजनाथ शिव का दर्शन करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जो लोग हैं वो मल्लिकार्जुन जो तेलंगाना में स्थित है वहां जाकर दर्शन करें। अगर आप उनका दर्शन करते हैं तो आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो धीरे धीरे संभवतः पूरे होते चले जाएंगे। अगली राशि है तुला राशि, तुला राशि के जो लोग हैं वो कोशिश करें महाकाल, जो उज्जैन में महाकाल भगवान हैं, महाकाल शिव हैं, उनका जाके दर्शन करें। इससे क्या हो कि आपकी जो दुर्घटना से आप पीड़ित होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग से आप ग्रसित होते हैं, वो धीरे धीरे उसका समाधान हो जाएगा और जो भी कार्य करने में विघ्न बाधाएं आती हैं उनका समाधान हो जाएगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो गिरेश्वर जो शिवलिंग है उनका दर्शन करें। धनु राशि के जो लोग हैं वो बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें जो बनारस स्थित है। मकर राशि के जो लोग हैं वो भीमा शंकर भगवान, यानी भगवान भोलेनाथ का जो भीमा शंकर शिवलिंग है उनका दर्शन करें। अगली राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो लोग हैं वो केदारनाथ जी का जाके दर्शन करें। अगली राशि है जो अंतिम राशि, जो 12वीं राशि, वो मीन राशि, मीन राशि के जो लोग हैं वो त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करें। तो मैंने मेष से लेके मीन तक बताया है और कौन कौन से शिवलिंग का आपका दर्शन करना वो करिए। देखिए, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, बस एक भरोसा है,
एक परंपरा बनी आ रही है कि ईश्वर होता है, हम आंख बनकर उस पर भरोसा करते हैं। तो मैंने जो राशि के अनुसार उपाय बताए हैं, जब भी आपको मौका मिले अधिक से अधिक उस शिवलिंग का जाकर दर्शन करें। अगर 12 शिवलिंग का अगर आप दर्शन कर लेते तो अति उत्तम, नहीं तो जो मैंने राशि बताई, जब भी मौका मिले तो आप अपने पूरे परिवार के साथ या आप भी जाएं। और क्या होता है ना, होता यह है कि जो भी आपकी राशि है वो चीज़ अट्रैक्ट करती है उस वस्तु को। तो यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके प्रारब्ध में अगर आपका कुछ अच्छा भला होना लिखा होगा तभी ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंचेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, कमेंट भी करेंगे। तो भैया ठीक है, बेकार है, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में दुख ही लिखा है, तभी आप मेरा वीडियो नहीं देख पाए। अच्छा लिखा होगा तो बिना स्किप ही आप इस वीडियो को देखोगे। तो है ना कमाल का सूत्र, इतने देर तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।